नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप सबके लिए निकल के आ रही है। भर्ती परीक्षा पर दोस्तों सभी के लिए बुरी खबर है। वीडियो को पूरे जरूर देख लें दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों जो PISL लगाई गई थी दोस्तों उसको लेकर आप सबके लिए हाईकोर्ट की तरफ से दोस्तों फैसला आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 18 सितंबर से दोस्तों परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर जो हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तो दोस्तों क्या अपडेट है दोस्तों याचिका को लेकर, वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो आपको राजस्थान रीट की सभी प्रकार की अपडेट दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट इंडियन न्यूज राजस्थान की तरफ से दोस्तों ट्वीट आज का रीट परीक्षा से जुड़े मामले में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने भागचंद शर्मा की PIL की खारिज, जस्टिस गोवर्धन भार्गव, जस्टिस एम की व्या की खंडपीठ ने की है खारिज। दोस्तों PIL एकल पीठ ने लगाने को लेकर दोस्तों ये खारिज की गई थी। जो PIL लगाई गई थी उसमें कहा गया था, उसमें प्रमुख मांग थी कि जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक दोस्तों जो रिजल्ट पर रोक रही और रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाए। तो इसको लेकर जो एकल पीठ खंड है दोस्तों उसमें ये खारिज कर दिया गया है दोस्तों जो याचिका लगाई गई थी उसको। और अब कहीं ना कहीं ये भर्ती दोस्तों आपकी हाईकोर्ट में जाने से भी बच गई है। जी हाँ दोस्तों, अब स्टूडेंट की मांग है कि इस जो भर्ती परीक्षा है दोस्तों इसमें 2019 में घोषणा की गई थी 31,000 पदों के लिए, लेकिन 2022 तक आपकी ये परीक्षा हो पाएगी तो ऐसे में 50,000 पोस्ट होनी चाहिए और इसमें पद है वो बढ़ाने चाहिए, 19,000 पोस्ट है वो बढ़ानी चाहिए ताकि 50,000 पदों के लिए रिजल्ट है वो जारी किया जाए। अब देखना होगा दोस्तों, अब आपकी आंसर की दोस्तों जल्दी आंसर की और परिणाम घोषित किया जाएगा। आंसर की दोस्तों 20 अक्टूबर तक आने की संभावना है दोस्तों, और जो फाइनल आंसर की है दोस्तों वो प्रोविजनल आंसर की के 7 दिन बाद जारी हो जाएगी। 3 दिन आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए समय मिलेगा। तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर है, अब आपकी जो हाईकोर्ट में ये भर्ती जाने से बच गई है। हालांकि पेपर लीक हुआ है ये भी दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अभी जो अंतिम फैसला है दोस्तों वो 27 अक्टूबर को आएगा, जिसमें कि माध्यम शिक्षा बोर्ड से और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जवाब मांगा है कि ये भर्ती परीक्षा जो है कैसे लीक हुआ है पेपर, इसको लेकर हाईकोर्ट के। और दोस्तों अंतिम फैसला 27 अक्टूबर को आएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान रीट की आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती रहती है, आंसर की आपकी दोस्तों जल्दी आने वाली है तो कभी भी आंसर की आ सकती है दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।